इतनी जल्दी भी क्या है, आके बैठो तो सही तुम। और बताओ सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया जी जल्दी से भाभी। अच्छी सी चाय बना के ले आओ। ठीक है। आयशा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। आयशा और जवेरिया किसी काम से बाहर गई हैं। तुम बताओ खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने घर पर मिलाद रखा है तो मैंने सोचा तुम्हें और बच्चों को इनवाइट करा, जरूर आना है तुम सबने। मैं बच्चियों को भिजवा दूंगी, मेरा आना मुश्किल है। आसिफ की वजह से काफी मसरूफियत रहती है मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। कोशिश करोगी? यकीनन तुम आओगी। तुम जानती हो ना, बहन के बगैर मैं मिलाद कैसे कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा आयशा को फोन करो, उसे बताओ कि यास्मीन आंटी आई है। मैं करती हूँ उसे फोन। बस नाजिया ले आओ जल्दी से चाय। क्या हुआ आपे? स्कूटी क्यों रोक दी? उतरो। हैं? उतरो नीचे। क्या हुआ, पंक्चर हो गई क्या? देखो जवेरिया, ये बात मैं तुमसे घर पे नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे स्कूटी यहाँ रोकनी पड़ी। मैं एहतशाम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप ही आर यू सीरियस? आपने ये बात करने के लिए बीच सड़क पे बाइक रोक दी? आपके दिमाग से अभी तक ये बात गई नहीं? जवेरिया तो मुझे जानती हो, मैं किसी को तकलीफ में या दुख में नहीं देख सकती। और एहतशाम तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है, तुमसे मोहब्बत करता है। कसम से अगर मुझसे कोई इतनी मोहब्बत करे, मैं कभी भी उसको ना छोड़ू, कभी भी उसका दिल ना तोड़ू। क्योंकि आप बेवकूफ हैं। मैं नहीं हूं आप ही, मैं आपकी तरह नहीं सोचती। मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं ये सब चीजों के बारे में सोचती रही तो मैं अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगी? आप ही मेरा करियर है, मेरी डिग्री है, और ये सर फिरे आशिक और इनके टूटे हुए दिलों पर पिघलना शुरू कर दिया ना तो हो चुका काम। अब क्या देख रही हैं आप ही? देख रही हूँ कितनी आसानी से तुम लोगों का दिल तोड़ देती हो ना। आजकल मुझ जैसे लोग ही कामयाब है, आप भी सीख लें मुझसे कुछ। चलिए अब बहुत देर हो रही है आप ही। फालतू में रोक दिया, वैसी लेट हो गई हूँ मैं। चलिए